बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गांव गांव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन। नमस्कार जोहार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। हमारे किसान भाई बहन मेहनत से अपनी पहचान बनाते हैं, इसीलिए हम अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के जरिए उनकी हर वो मदद करने की कोशिश करते हैं जिससे उनकी खेती किसानी बेहतर हो सके और आसान हो सके। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूँ गोपाल कृष्णा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसान समृद्धि योजना द्वारा गांवों में मिल रही है सिंचाई सुविधा, किसान क्रेडिट कार्ड किसानों की आर्थिक तरक्की में सहयोगी, हिल पर बीज बुआई के लिए बेहतर है नवीन डिबलर। राज्य में सिंचाई सुविधाओं की कमी को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा किसान समृद्धि योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर आधारित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना झारखंड सरकार का लक्ष्य है। किसानों को खेती बाड़ी के कार्यों में आर्थिक समस्याएं भी आती है, जैसे संसाधनों की कमी या समय पर पैसों के अभाव में खेती न कर पाना इत्यादि। इन समस्याओं से उबारने के लिए सरकार किसान को किसान क्रेडिट कार्ड देकर बैंकों से लोन मुहैया कराती है। कृषक किसान क्रेडिट कार्ड लेकर इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड को जल्द से जल्द राज्य के सभी किसानों को उपलब्ध कराने की योजना है। फिर भी जिन किसान भाइयों को किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बन पा रहा है या नहीं बना है, वो इसे बनवाने के लिए आवेदन पत्र के साथ फोटो या वंशावली संबंधी प्रमाण पत्र या शपथ पत्र इत्यादि दस्तावेजों के साथ प्रखंड कृषि विभाग, नजदीकी बैंक या किसान मित्र से संपर्क कर सकते हैं। बेबीकॉर्न की फसल काफ़ी लाभदायक मानी जाती है। जो किसान भाई इस समय बेबीकॉर्न लगाने के इच्छुक है, वे इनके उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। बेबीकॉर्न के उन्नत प्रभेदों में बिरसा विकास, मक्का 2, HM 4 बेहतर माने जाते हैं। बेबीकॉर्न के ये प्रभेद अच्छी मात्रा में उपज देने के लिए प्रचलित है। बिरसा विकास, मक्का 2, HM 4 ये बेबीकॉर्न के उन्नत प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं और कम समय में तैयार हो जाते हैं। एक हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम की दर से बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित कर लेना अच्छा होता है। बुआई के उपरांत उचित कृषि कार्य को करके 8 से 10 क्विंटल तक बेबीकॉर्न की उपज पाई जा सकती है, साथ ही 120 क्विंटल तक पौष्टिक हरा चारा भी। जल की समस्या से आज हम सभी जूझ रहे हैं। यह समस्या समय के साथ साथ और बढ़ती जा रही है, जो कि चिंता का विषय है। खासकर सब्जी उत्पादक किसानों को टपक सिंचाई प्रणाली जैसे संसाधन अपनाने से बहुत लाभ होते हैं। इस प्रणाली में सिंचाई जल की खपत लगभग आधी होती है और उत्पादन भी अच्छा होता है। टपक सिंचाई प्रणाली द्वारा सिंचाई जल की समस्या से बहुत हद तक निजात पाया जा सकता है। टपक सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए सरकार किसान को प्रोत्साहित करती है और अनुदान भी देती है। हिल पर बीजों की बुआई करनी हो तो कृषक नवीन डिबलर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह उपकरण बहुत ही कम समय और मेहनत में बुआई कार्य को करने में सक्षम है। इस उपकरण का नाम है नवीन डिबलर। यह उपकरण हिल पर बीजों की बुआई कार्य को आसान बनाता है। इस उपकरण द्वारा एक दिन में लगभग 3,500 हिल पर बुआई किया जा सकती है। इस उपकरण को प्राप्त करने के लिए कृषक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। किसान भाइयों, आपसे अनुरोध है कि कोरोना का बूस्टर टीका अवश्य लगवाएं, साथ ही सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए कृषि कार्य करें ताकि हम और हमारा देश स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। इसी के साथ अगले अंक तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन, कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का हाल भी जाना और कृषि से संबंधित कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली।
अब समय हो चला एक छोटे से विराम का, विराम के बाद हम जल्द आते हैं। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि, 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को SMS के माध्यम से दी जाती है। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। एना लीधे मारे कोई जोड़े के सगा संबंधी के मित्रों जोड़े मारे उछीना पैसा लेवानी जरूर पड़ती नथी अने एनाथी हूँ सारी एवी खेती करी शकू छू। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है, इसीलिए हम भारत सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। हमारे झारखंड में लाह उत्पादन की काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं। अगर आप खेती किसानी के साथ साथ लाह उत्पादन से भी जुड़ते हैं तो आप अच्छा खासा इनकम कमा सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं। तो आज हम आपको जानकारी देंगे कि छिल्ली लाह की बिक्री और आप भंडारण कैसे करें अगर आप लाह उत्पादन से जुड़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं फीचर और लेते हैं जानकारी। लाह उत्पादन भी कमाई का एक बेहतर विकल्प हो सकता है। खेती के अलावे इसे करने से किसानों की आय बढ़ाने में यह लाभदायक होता है। इसमें ना ही पारंपरिक खेती की तरह मेहनत लगती है और ना ही लागत आती है। यह कम लागत में बेहतर मुनाफा देता है। जानकार कहते हैं कि फसल परिपक्व होने के बाद लाख युक्त डंठलों तथा फुंकी लाख डंठलों में से इसको खुरच कर अलग किया जाता है। इसके बाद लाख को छायादार स्थान में जमीन पर फैलाकर सुखाया जाता है तथा सुखाने के समय बीच बीच में लाख को पलटना पड़ता है। लाख को सही तरीके से छीलना बेहद ज़रूरी होता है। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम कृषि विज्ञान केंद्र विशुनपुर गुमला में हैं और हमारे साथ हैं यहाँ के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अटल बिहारी तिवारी जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि छिल्ली लाख की बिक्री एवं भंडारण हमारे किसान भाई किस प्रकार से कर सकते हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि छिल्ली लाख की बिक्री एवं भंडारण किस प्रकार से किया जाए।
देखिए मुख्य रूप से जैसे छिली ला है, छीलने का सबसे बड़ा चीज़ है कि हम किस तरीके से छीलें कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ला हमको मिल सके। अभी हम कृषि विज्ञान केंद्र गुमला विकास भारती बिशुनपुर के द्वारा आर्या परियोजना के अंतर्गत गांव में बहुत सारे प्रोसेसिंग यूनिट हम लोग तैयार इस्टेब्लिश किए हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग लाख को लाते हैं और लाख को वहाँ पर छीलने का काम होता है। छीलने के बाद उसको हमको क्या करना है, उसको प्रोसेस करते हैं जिससे वाशिंग और उसका विनोइंग मतलब सफाई हो गया और उसकी धुलाई ये सफाई धुलाई करने के बाद अगर हम उसको सुखा देते हैं, सुखाने के बाद हमको क्या करना है, भंडारण तक ले जाना है। नहीं तो क्या होता है कि अगर हम इस तरीके से नहीं करते हैं तो सबसे बड़ा चीज़ है कि भंडारण करते हैं तो बिल्कुल गोल सा बड़ा सा ढेला जिसको बोलते हैं यहाँ भाषा में ढेला टाइप बन जाता है। लेकिन हम अगर अच्छी तरीके से उसको प्रोसेस करके वाशिंग करके उसको सुखा करके हम तो रखते हैं तो हम थोड़ा ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं। उसको रखने से क्या है कि जब हमको रेट मिलेगा तब हम उस रेट पर अच्छे रेट पर हम बेच सकते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि हमको मुख्य रूप से किसान भाई की ध्यान देना चाहिए कि हम जब हम प्रोसेस करने लगे, छिलाई करने लगे, ध्यान रखें कि छिलाई हम मशीन में करेंगे तो ज़्यादा हमको प्रोडक्शन मिलता है। उसके बाद हम उसको वाशिंग करेंगे, वाशिंग करने के बाद हम उसको सुखाएंगे, सुखाने के बाद हम भंडारण करेंगे जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। कृषि विशेषज्ञ कहते हैं कि मशीनों से लाह को छीलना उत्पादन के लिहाज से ज़्यादा फायदेमंद होता है। लाख को छीलना, सफाई धुलाई सुखाना और भंडारण की प्रक्रिया पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। लाह का उत्पादन बेर और कुसुम के पेड़ पर किया जाता है। यही नहीं, इसकी खेती सेमिया लता के पौधों में भी आराम से किया जा सकता है। देखिए मुख्य रूप से गुमला जिले में अगर देखा जाए तो गुमला जिले में मुख्य रूप से कुसुम है, बेर है, पलास है, उसके बाद सोमिया लता पर भी बहुत एरिया में लोग खेती कर रहा है। और जहाँ तक है कुसुम, इस चूँकि ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्रों में कुसुम की बहुतायत मात्रा में पोषक पौधे उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ बेर जो है, बेर बहुत सारे हमारे गुमला जिला के प्रखंड जैसे सिसई हो गया, भरनो हो गया, भरनों के बाद आपको पालकोट हो गया, रायडी, इन जगहों पर बेर की भी बहुत बड़े क्षेत्र में जो है पौधे हैं, तो उन पर बहुत बड़े मात्रा में किसान यहाँ की खेती कर रहे हैं। तो खेती करने में क्या क्या सावधानियाँ बरतनी पड़ती है? देखिए सबसे मूल चीज़ है कि जो हमको सावधानी बरतना है, सबसे पहला हमको काम करना है कि हम पौधों की कटाई छटाई प्रॉपर करें, सूखी टहनी ना हो, कुल मिला के हम अच्छी तरीके से उन पौधों का सिलेक्शन करें जो थोड़ा अच्छे हों, जिनमें सूखी टहनियाँ कम हो या ना के बराबर हो। दूसरा हमको ब्रूड लाक, जो अच्छा ब्रूड लाक है जिसको हम बिहन कहते हैं, अच्छा बिहन होगा तो उससे क्या होगा, कीट का संचारण ज़्यादा होगा, इनाकुलेशन ज़्यादा होगा। जब इनाकुलेशन ज़्यादा होगा तो मुख्य रूप से प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होगा। तो इसके बाद हमको क्या करना है, 30 दिन 60 दिन 90 दिन पर हमको स्प्रे हमको करना है, दवाओं को स्प्रे कर देंगे तो इससे क्या होगा कि हमारा पूरा जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन काफ़ी मात्रा में हमको मिलेगा। मुख्य रूप से हम उस कंडीशन में बिहन भी अपना बेच सकते हैं, क्योंकि बिहन का रेट और जो आपका ला है वो दोनों का रेट लगभग बराबर होता है। अगर हम देखें तो बिहन को बेचने में किसानों को ज़्यादा फायदा है। लाख की अच्छी फसल के लिए पेड़ों को खाद देकर उगाया जाता है और काट छांट कर तैयार किया जाता है। जब नए प्ररोह निकलकर पर्याप्त बड़े हो जाते हैं तब उन पर लाख के कीटों को बैठाया जाता है। हम 30 दिन 60 दिन 90 दिन का हम जो बता रहे हैं, इस 3 बार हम अगर स्प्रे करते हैं तो कीट रोग की संभावना बहुत कम हो जाती है। एक और चीज़ है जो किसानों के जानने की ज़रूरत है कि जहाँ पर हम लाह लगाएं वहाँ पर हम मक्का की खेती ना करें। मक्का की खेती करने से क्या होता है कि हमारा जो लाह का उत्पादन है वो कम हो जाता है। उसका कारण है कि जो वो कीड़े हैं जो हमारे लाह को प्रभावित करते हैं, वो कीड़े जो है जहाँ पर हमारा मक्का की खेती ज़्यादा होती है, मक्का की खेती हुई रहती है तो वहाँ पर ज़्यादा जो लेकिन, पा जाता है। लेकिन हम कब मानेंगे जो लाह अब एकदम पक कर के तैयार हो गया और इसको हम देखिए बिहन जैसे आप बोल रहे हैं कि कब तैयार हो गया, तो जब हम बिहन की बात करते हैं, अगर हमको किसान बिहन अगर तैयार करना है तो किसानों की ये हम बताना चाहते हैं कि जब देखने का 5% कीड़ा लगभग, यानी कि कहीं कहीं कीड़ा दिखाई देने लगे। दूसरा जो लाह का टुकड़ा है या लाह जिस पे लगा है वो थोड़ा सा ब्राउनिश कलर में हो जाएगा, मतलब थोड़ा भूरा हो जाएगा, थोड़ा उसके ऊपर वाइट कलर का रोए टाइप का आ जाएगा, वाइटनेस आ जाएगा, वो दिखने लगेगा कि हाँ ये लगभग तैयार है। कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा फटने टाइप का वो दिखाई पड़ेगा, इसका मतलब है हमारा ब्रूड लाख तैयार है।
हमारा लाह तैयार है, हम इसकी कटाई कर सकते हैं। छीलने के समय कम झटका दें, अन्यथा वह टूट भी सकता है। चाकू से छीलने के बजाय मशीन का इस्तेमाल करना चाहिए। फसलों को कीट से बचाना चाहिए और सही तरीके से सुखाकर भंडारण भी बेहद अहम होता है। वो भी जैसे हमारे बहुत सारे एरिया में जहाँ पर बेर के साथ लाह हम कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत बड़े एरिया में हमारा उड़द की खेती है, अरहर की खेती है, उसके साथ सब्जी की खेती है, टमाटर खेती, मतलब बहुत जो है बड़े पैमाने पर हमारा जो है जो पालकोट है, रायडी है, बसिया है, इन जगह के किसान इंटरक्रॉपिंग भी कर रहे हैं। उससे क्या है कि ये जो खेती कर रहे हैं उसके साथ एडिशनल इनकम लाह से हो रहा है। मान लीजिए उनके पास 10 पौधा, एक पौधा में 5 केजी हो, 50 केजी, आज के दिन 600 रुपये लगभग केजी है, तो लगभग 30,000 रुपये उनके पास इनकम आ गया है। तो जो ये एडिशनल इनकम हमको मिल रहा है लाह से, तो मुख्य रूप से ये फायदा है। तो किसान भाई बहन, अभी आपने देखा छिल्ली लाह की बिक्री और भंडारण कैसे करना है। आशा करते हैं जानकारी से आप काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। हमारे किसान भाई बहन धान की खेती करने के लिए बहुत ही महंगे बीज और खाद का इस्तेमाल करते हैं। अगर सही प्रबंधन ना हो तो कीट और रोग लगने की संभावना होती है, जिससे उनका बचाव करना बेहद ज़रूरी है। तो आज हम आपको जानकारी देंगे कि धान की फसल में सांडा और तना छेदक कीटों से उनका बचाव कैसे किया जाए। चलिए मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी। जोहार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सबका स्वागत है। आज हम आप पहुँचे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र हरपलांडू में और हमारे साथ यहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर जयपाल सिंह चौधरी जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि धान फसल में साढ़ा व तना कीट छेदक से किस तरीके से बचाव किया जाए। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों नमस्कार। अभी जैसे हम जानते हैं कि झारखंड में जो धान की खेती है एक बहुत प्रमुख खेती है, लेकिन इस बार जब बारिश के आगे पीछे होने से कुछ किसान अभी धान का जो बिचड़ा है उसको नहीं लगा पाए हैं, कुछ तैयारी कर रहे हैं और कुछ लगा चुके हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं समस्याओं की, तो समस्याओं में मुख्य रूप से अगर कीट की समस्या की बात करते हैं इसमें भी, तो किसान देखते हैं कि दो तरह की यहाँ पे बहुत सारी जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है एक साढ़ा कीट लगना और दूसरा है तना छेदक। सबसे पहले मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि साढ़ा कीट क्या है, इसकी कैसे पहचान है। जो साढ़ा आप बोलते हैं, साढ़ा एक्चुअली में एक कीड़ा है जिसको गोलमिज हम बोलते हैं। गोलमिज इस कीट में ये पत्ते पे अंडे देता है और अंडे से जो इसका पिल्लू निकल करके जहाँ से पौधा बढ़ता है वहीं पर खाने की वजह से पत्तियों में एक तरह से एक हार्मोन छोड़ता है, उसकी वजह से पत्तियाँ जो है वो आपको प्याज की तरह दिखाई देती हैं घूम करके, और आसपास में जहाँ से आपका जो फुटान होता है धान का, उस फुटान में ज़्यादा फुटान होने की वजह से धान छोटा रह जाता है और बहुत सारा ऐसे लगता है कि इसमें ज़्यादा मात्रा में फुटान हो गया है, और उसमें बाद में जा कर के देखते हैं तो बालियां नहीं आती है। किसान भाई, यह जो साढ़ा जो आपका समस्या है वो एक कीट की वजह से है। यह कीट और इस कीट के साथ में हम दूसरा और देखते हैं तना छेदक, जिसकी बात कर रहे थे तना छेदक। इस तना छेदक में बहुत सारे पिल्लुओं का एक समूह है जो हमारे झारखंड में लगता है। इसमें अलग अलग दो तीन तरह की प्रजातियां, प्रजातियों की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि कुछ जो जो इसका कट बहुत स्पेसिफिक जिसको आप बोलते हैं धान में, वो बीच में से सूख जाता है और अगर हम उसको उखाड़ते हैं तो ऐसे इजी रूप से बाहर में आ जाता है। ये गाप सूखने की समस्या है। अगर बाद में देखते हैं किसान खेत में, तो जगह जगह में जो बालियां निकली हुई हैं वो सफ़ेद रंग की होती हैं और उन बालियों में जो बीज होता है वो नहीं पनप पाता है। तो ये तना छेदक कीट का मुख्य लक्षण है दोनों कीट में। एक और समस्या यह है कि जो आपका तना छेदक कीट है वो धान में ही लगता है, धान के अलावा दूसरे किसी कीट दूसरा जो फसल है उसमें नहीं लगता है, तो अपना जीवन चक्र धान पे ही पूरा करता है। और जो साढ़ा फटने वाला है वो कीट अब धान के अलावा कुछ जो आसपास घास होती है उस पे भी लगता है, जिसकी वजह से आपका जो उसका जीवन चक्र है वो बना रहता है। इस जीवन चक्र को जानने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि उसका नियंत्रण उसी पे निर्भर करता है। और कीट की जो आक्रामकता है
वो जरूर ध्यान दीजिए कि इस साल बारिश कम हो रही है। जब बारिश कम हो और चमकीला सूरज निकल रहा हो तो उस समय में इन दो जो कीट हैं उनकी समस्या ज़्यादा बढ़ती है। और ये समस्या बढ़ने के साथ में इस बार हम जो देख रहे हैं इसके लिए ये जलवायु जो मौसम है बिल्कुल अनुकूल है, तो किसान भाई इसमें नियंत्रण के लिए ज़रूर ध्यान दें। नियंत्रण करने के लिए जो पहला नियंत्रण है, आपको स्टेप वाइज हर जो आपकी जो पौध की अवस्था है उस पर आपको कंट्रोल करना है। पहला, जो किसान भाई अगर नर्सरी लगा चुके हैं, जो नर्सरी से ट्रांसप्लांट नहीं किए हैं अभी तक, उनको सबसे पहले एक छिड़काव करने की ज़रूरत है। और ये छिड़काव आप जब भी आप ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, बिचड़ा को एक खेत से बिचड़ा जब लगाते हैं उससे पहले 6 से 7 दिन पहले एक छिड़काव करिए। और छिड़काव के लिए आपको क्लोरएंट्रेलिप्रोल 18.5% SC का जो आता है उसको 120 ml प्रति 400 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करना है। मतलब 1 ml दवा को 3 से 4 लीटर पानी में मिला करके बिचड़ा जब ट्रांसप्लांट करते हैं उससे पहले छिड़काव करना है। और दूसरा ध्यान रखना है, जब भी आप बिचड़ा नर्सरी से निकालें तो उसका ऊपर की पत्तियां 3 से 4 सेंटीमीटर ऊपर की पत्तियों को कैंची से काट करके हटा दें। क्यों ऐसा इसलिए करते हैं कि ये जो तना छेदक कीट है वो अंडे वहीं पर देता है, जो आपका नर्सरी से अंडा दिया हुआ आपके खेत में नहीं जाएगा। और आपकी जो पीलापन आता है पत्तियों में, जो ऊपर में वाला शुरुआत हो जाता है, तो जो जिसकी वजह से आपका जो बिचड़ा में शोक लगता है वो भी कम लगेगा। तो ये ज़रूर ध्यान रखें 3 से 4 सेंटीमीटर ऊपर का भाग बिचड़े का काट करके बुआई से पहले हटा दें। और इसके बाद में जब ट्रांसप्लांटिंग आप खेत में कर चुके हैं तो उसके, अगर आपको जैविक खेती, आपका आजकल बहुत कुछ देखने को मिला है जैविक खेती अब करना है या फिर समेकित कीट प्रबंधन करना है, तो किसान भाई पहला, क्योंकि जो मादा कीट है तना छेदक की वो लाइट की तरफ आकर्षित होती है, तो इसके लिए जो आजकल सौर ऊर्जा संचालित जो लाइट ट्रैप्स हैं वो मार्केट में उपलब्ध हैं, उनका आप 1 एकड़ प्रति 1 एकड़ के हिसाब से आप खेत में इंस्टॉल करिए। उससे क्या होगा, जो मादा कीट है उसमें आकर्षित होकर के ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, अगर आप इसी में कर रहे हैं तो कई बार देखते हैं कि जो ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम ट्राइको कार्ड्स आते हैं जिन पे छोटा छोटा कीट होता है, वो आपका तना छेदक और आपका जो ये गोल मिज है साडा वाला कीट उसके अंडों पर अपना अंडे दे देता है, तो इन ट्राइको कार्ड्स को आप खेत पर बुआई के 10 से 15 दिन के बाद अंतराल पर 1 लाख प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जगह जगह में ट्राइको कार्ड्स लगाइए जैविक खेती के लिए। और अगर आप में जैविक नियंत्रण करना है तो ब्यूवेरिया बेसियाना जो कवकनाशी है, जो कवक आधारित कीटनाशी है, उसको 1 kg प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इसके साथ में अगर ये नहीं उपलब्ध है तो आप बैसिलस थ्रोन्जेंसिस BT पाउडर आता है उसको आप 1 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। ये आपका जैविक नियंत्रण वाला हुआ। अगर कीटनाशकों का नियंत्रण करना है तो मैं, किसान भाई ज़रूर ध्यान दें कि मैं जो इंसेक्टिसाइड बता रहा हूँ, कीटनाशी बता रहा हूँ, वो आपका साड़ा फटना और कीट छेदक जो तना छेदक है उन दोनों के लिए बहु उपयोगी है। पहला कीटनाशक है क्लोरएंट्रेलिप्रोल, 18.5% SC का आता है, उसको 120 ml या फिर थायोमेथॉक्साम जो एकतारा या अलग अलग नामों से आता है, अरेवा नाम से भी आता है, उसको 125 ग्राम या कारटाफ हाइड्रोक्लोराइड 50% SP का आता है उसको 1 kg या फ्लूबेंडामाइड जो 20 WG का आता है उसको 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर 400 लीटर पानी की दर से आप किसी एक कीटनाशक का छिड़काव ट्रांसप्लांटिंग के 10 से 15 दिन बाद करिए। तो किसान भाई बहन, आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको कैसी लगी? आशा करते हैं आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए या हमसे कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, लातूर रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 8340001। इसी के साथ मुझे शिखा स्वरूप को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।
हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की, हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा साही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।